इसका उपयोग क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD के इलाज के लिए किया जाता है। लेवोसिल्बुटामोल और आइप्रेट्रोपियम वायुमार्ग में मांसपेशियों को आराम देकर और वायुमार्ग को चौड़ा करके काम करते हैं। साथ में वे सांस लेना आसान बनाते हैं। रोटाकैप्स को निगलना नहीं चाहिए। उपयोग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जांच करें। कैप्सूल को रोटाहेला के बेस पर रखें, माउथपीस में नहीं। माउथपीस को तब तक पूरी तरह से घुमाएं जब तक कि आपको एक क्लिक सुनाई न दे और माउथपीस से गहरी सांस ले। अपनी सांस को 10 सेकंड तक रोके रखें। अगर रोटाहेला में कुछ पाउडर रह जाए तो इस प्रक्रिया को दोहराएं। धन्यवाद।